मुंबई शहर में 26/11 के हमले में शहीद हुए जवानों और लोगों को रीवा में श्रद्धांजलि दी गई। विभिन्न सामाजिक संगठन और युवाओं द्वारा उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए शहीद जवानों के बलिदान को याद किया गया। 14 साल पहले 26 नवंबर सन 2008 को मुंबई शहर पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिन्स, ओबेराय ट्राइडेंट, ताजमहल पैलेस एंड टावर, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल, नरीमन सामुदायिक केंद्र जैसे स्थानों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया था। इस आतंकी हमले में 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोग मारे गए थे और कई अन्य लोग घायल हुए थे। वहीं 26/11 हमले के 14 साल पूरे होने पर आतंकवादी हमले की बरसी पर रीवा के युवाओं और कई सामाजिक संगठनों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उन सभी लोगों को कृतज्ञता के साथ याद किया गया जिन्हें देश ने खो दिया है। इस मामले में शहीद हुए जवानों ने अपने कर्तव्य के पालन में बहादुरी से लड़ाई लड़ी और सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्हें देश के लोग आज भी याद करते हैं और उनके द्वारा दिए इस बलिदान को हमेशा याद रखेंगे। डॉक्टर उमेश लखन मेरा नाम है और आज हम रीवा के तमाम युवा उन शहीदों को याद कर रहे हैं जो शहीद हमारी इस मिट्टी को और हम सबको सुरक्षित करते हुए शहीद हो गए। मुंबई हमले में तमाम हमारे पुलिस जवान, तमाम सुरक्षाकर्मी आन बान शान निछावर करके और हमारी इस मिट्टी के गौरव को उन्होंने बढ़ाया है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है और उन शहीदों को हम सब नमन कर रहे हैं। आज हम उनको याद कर रहे हैं कि अगर वो नहीं होते तो हो सकता है कि मुंबई कुछ और होती, लेकिन ऐसे युवा हम सबके बीच के, हम सबके गांव घर के लोग जाकर के सुरक्षा तमाम व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं और हम उन्हें याद कर रहे हैं। भारत माता के अमर शहीदों को हम सब हमेशा याद करते रहेंगे और ये हमारी परंपरा, ये हमारी विरासत बढ़ती रहे, जिससे हमारे ऐसे युवाओं को और ऐसे सुरक्षा कर्मियों को और जोश, जज्बा और बल मिले जो सूखी रोटी खा करके दिन रात भूखे पेट हम सब के लिए लगे रहते हैं। यह देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यह हम सब उन अमर शहीदों को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। बेटू पीछे आओ, एक सेकंड, दो इधर दो। वंदे मातरम भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वीर शहीदों की कुर्बानी याद रहेगा, वीर शहीदों की कुर्बानी याद रहेगा हिंदुस्तानी, वीर शहीदों की कुर्बानी याद रहेगा हिंदुस्तानी, भारत